गाइस देख लिया मैं, हल पता नहीं कहाँ चले गया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो कैसे हो आप सब लोग, अच्छे होंगे और अच्छे रहो। सो गाइस, आज मैं जाने वाला हूँ अपने ब्रोजो को लेके जंगल में, जहाँ उस जंगल में बहुत ही ज्यादा जंगली जानवर हैं और जंगली जानवरों को देख के देखते हैं ब्रोजो कैसा रिएक्शन देता है। और वहाँ हमारे यहाँ के जंगल की नीलगाय तो पीछे पड़ जाती है इंसानों के और बहुत ही ज्यादा मुझे डर लग रहा है, और देखते हैं ब्रोजो कैसा रिएक्शन देता है उन्हें देख के। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं, आओ जंगल में। ब्रोजो का सिनेमैटिक शॉट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। जंगल में जा रहे हैं, जंगल के रास्ते पे रास्ता, और ये रहा हमारा ब्रोजो। अब हम जा रहे हैं, देखते हैं इसको जंगली जानवरों से मिलवाते हैं और दूर रखेंगे जंगली जानवरों से। जितना ज्यादा दूर रखेंगे उतना ही ठीक रहेगा, वो लोग अटैक कर सकते हैं हम पे। हमारे जंगल में जंगली सुअर भी हैं और नीलगाय तो है, नीलगाय बहुत खतरनाक है यहाँ की। तो गाइस ब्रोजो ने अपना वो देख लिया शिकार और ब्रोजो जा रहा है पकड़ा हुआ। देख सकते हो आप ब्रोजो, ब्रोजो ने अपना शिकार देख लिया है और ब्रोजो को ब्रोजो शिकार देखने के बाद देखो गाइस कैसा रिएक्शन देता है। बहुत ही ज़्यादा तगड़े पोजीशन में इस वक्त ब्रोजो। देखो ब्रोजो के शिकार ने भी ब्रोजो को देख लिया है। अब देखो कैसे स्लोमो में चले गए। हमारा इंडियन मैस्टिफ बुली डॉग, इसका शिकार वहाँ से आ रहा है, उसका शिकार भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ब्रोजो का शिकार ब्रोजो के पास आ रहा है, उसके पास कुछ ज़्यादा ही पास आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा पास ये आ गया। कैसा लगा मेरा मजाक? अबे साले, ये दोनों फ्रेंड है, शिकार नहीं था इसका, तो मैं आपसे ऐसे ही मजे ले रहा। दो शिकारी डॉग जा रहे हैं जंगल में अपने शिकार के पास। मैंने हल को इसलिए बुला लिया, दोनों संभाल तो लेंगे, अकेला कहीं हल्का ना पड़ जाए हमारा डॉग। चलो चलते हैं आगे। तो गाइस जंगल में जा तो रहा हूँ मैं, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ जंगल की तरफ मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता जा रहा है। जंगल में बहुत ही ज़्यादा पहले भी एक्सीडेंट हुए हैं, नीलगाय ने इसको मार दिया, उसको मार दिया। अब देखते हैं मेरे को कोई मारता है या नहीं, वैसे मेरे को बचा तो लेंगे, भरोसा है इन दोनों पे, बाकी का देखते हैं आगे। और ये देखो गाइस जंगल देखो कितना घना है, हल्का हमारा ब्रोजो। चलो एक एक दूसरे की जगह पे सुसु करने के आ जाता है इनको। गाइस आओ चलो चलते हैं आगे। गाइस देख लिया हंटिंग हो रही है। ओ गाइस, वैसे टेंशन वाली बात नहीं है, अटैक कोई से नहीं करेगा दोनों में से, नीलगाय पे गारंटी हमारी है कि गए। हल देखते हैं हल कहाँ चले गए, हल कहाँ है, हल गाइस हल खो गया है, हल्क मिल नहीं रहा है जंगल में, हल्क मिल नहीं रहा है, मैं हल्क पता नहीं कहाँ चले गया है। ब्रोजो तो हमारे साथ ही है, ये रहा ब्रोजो, हल्क को ढूंढना पड़ेगा, हल्क कहाँ चले गया, और हल्क को ढूंढना पड़ेगा गाइस, पता नहीं कहाँ चले गया। 10 मिनट हो गए अभी तक दिखाई नहीं हुआ झुंड, वो हल्क हो रहा हो रहा हो रहा, हल्क हल्क दिख गया, हल्क दिख गया, हल्क दिख गया, व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा। और चलो चलते हैं इनसे मिलवाते हैं, उनको दिखाते हैं क्या रिएक्शन दे रहे हैं यहाँ पे और ये कहाँ जा रहे हैं। ओ शिट, देखो गाइस वो रही नीलगाय, हल्क या ब्रोजो, गया हल्क, गया हल्क, हल्क हल्क हो जा रहा। तो गाइस जैसे कि आपने देखा नीलगाय के पीछे जा चुका है हल्क और हम हल्क के पास जा रहे हैं, और ब्रोजो ये रहा ब्रोजो आड़ा, आगे चलते हैं। और जो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है नीलगाय। ओ शिट, ए हंटिंग, और ब्रोजो तो जा नहीं पाया, हल्क चले गया, हल्क भी गया। तो गाइस देखा आपने नीलगाय के शॉट, चलते हैं घर की तरफ। नीलगाय के साथ इनकी बहुत हंटिंग हो गई है, आपने रिएक्शन देखा होगा इन्होंने कैसा रिएक्शन दिया, लेकिन ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते नीलगाय को, ना किसी और जानवर को नुकसान पहुंचाते, क्योंकि बस ये रनिंग करते हैं जैसे ही नीलगाय के पास जाते हैं ये स्टॉप हो जाते हैं, उसके बाद नीलगाय खुद रुकती हैं और फिर वो चली जाती हैं, ये किसी पर अटैक नहीं करते, हमने इनको ऐसा तैयार किया है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली डॉग है। जितने भी जा रहे हैं बहुत से, तो इनमें से इससे पहली बार मिले हैं, दो तो बंदे से पहली बार मिले हैं, इन पर भी अटैक नहीं किया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, बाय।
तो फाइनली गाइस घर आ गए ब्रोजो को लेके, और ब्रोजो वहाँ पे गाइस कीचड़ में घुस गया था। देखो गाइस ये पूरा गंदा हो चुका है, और अभी हम इसको छत पे लेके आए हैं, अभी हम इसको नहलाएंगे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।